चाहिए, पहले हम लेंगे स्प्रिंग बैलेंस। ये देखिए स्प्रिंग बैलेंस है जिसमें हमने एक लोहे का टुकड़ा इस तरह से लटकाया है। देखिए अब इसमें 25 के गैप्स में डॉट्स हैं। ये देखिए 25, 50, 75, 100। तो इससे हम इसका वेट करेंगे और ये वाली जो है ये जहां पे भी आके रुकेगी हमारा वेट उतना ही होगा। तो देखिए ये हमारा इतना ग्राम है 50 ग्राम, क्योंकि ये पहला 25 और दूसरा है 50। तो अब हमारे 50 ग्राम आ चुका है वेट, यानी हमने लोहे का वेट कर लिया है एयर में। उसके बाद हमें चाहिए एक बीकर 500 ml का, जिसमें हमने नलके का पानी लिया हुआ है। उसके बाद हमें चाहिए मेजरिंग सिलेंडर, जिसमें हम इस वाटर को जो हमने बीकर में लिया है इसको डालेंगे। और उसके बाद हमें चाहिए एक इंडिकेटर, जिसके बारे में आपको आशीष बताएंगे। तो यहाँ पे हमने एक सर्किट बनाया है, जैसे इसमें हमने तीन चीजों का यूज किया है। तो इस सर्किट में हमने एक बजर का यूज किया है, एक स्विच और एक बैटरी, और ये इंडिकेटर है। तो जैसे हमें जब मेजरिंग सिलेंडर में हमें वाटर डालना होगा, तो वाटर डालेंगे तो ये देखने के लिए कि कितना एमएल वाटर है, उसके लिए हम इसका यूज करेंगे। तो जैसे अगर हमें 70 ml वाटर डालना है, तो ये जैसे 70 पे ये टच करेगा तो बजर बच जाएगा, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि 70 ml वाटर है उसमें। तो अब अपने जैसे सामग्री के बारे में पता चल गया है, तो अब हम अपना प्रयोग को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आयुष, तुम 500 ml वाला जो बीकर है उसमें उससे जो है मेजिंग सिलेंडर में 70 ml वाटर डालो। इसमें डॉट्स भी बने हैं ना? हाँ, ज़्यादा 70 हाँ ज़्यादा डाल 70 ज़्यादा डाल से बराबर कर दो उसको, लेवल पे ले आ। हाँ दबा दबा दीजिए तो यूज़ करके निकालो। हाँ और जैसा कि अब कम हो गया। हाँ अब डालो, अब डालो और डालो नहीं और डालो। हाँ अब कम इधर और डालो। स्विच ऑन कर लेंगे। तो देखिए जैसे यहाँ पे ना हमें कुछ दिया है, जैसे ये 100 है, ये 90, ये 80 है ना, और फिर ये 70। तो 70 ml इसमें हमने वाटर डाला है, तो हमारा यहाँ तक आना चाहिए। तो हम इसे डालते हैं अंदर, ये 70 है। तो देखिए बच गया, तो इसका मतलब हमारा इसमें 70 ml वाटर है। अब हम इस आयरन को जो ये हमने आयरन पीस लिया है, इसको हम इसमें इमर्ज करेंगे। देखिए इसमें इसका हमारा जो हवा में वेट है 50 ग्राम, इसमें इसमें हम बांध देते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले इसका हवा में एक वेट चेक कर लेते हैं एक बार और कि कितना है। तो हाँ जैसे देखिए 50 है, क्योंकि 25 के गैप पे है, तो ये 50 ग्राम है। तो अब इसको हम इसमें डाल देंगे अपने मेजरिंग सिलेंडर में। ओके तो आयुष देखो
लेकिन जो बॉटम में नहीं टच करना है तो एक बार हम फिर से इंडिकेटर्स हम चेक कर लेते हैं। जैसे ये 70 था तो 80 और 70 यानी यहाँ पे हमारा आना चाहिए। तो हम इसे फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए बच गया, करेक्ट 75 आ रहा है हमारा, बजर भी बच गया तो ये हमारा 75 बढ़ गया। अब कितना आया दूसरा वॉल्यूम तुम्हारा? 75। तो इसका मतलब सॉलिड का क्या रहा? हाँ, सॉलिड का पहला वॉल्यूम हमारा 70 था, दूसरा वॉल्यूम हमारा 75 था। तो अब हमारा डेंसिटी का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम मास अपॉन वॉल्यूम। तो हमारा दूसरे वॉल्यूम में से पहला वॉल्यूम पहले तो हम माइनस करेंगे तो हमारा ठोस का वॉल्यूम आ जाएगा 5। और हमने जो वेट किया था वो था हमारा एयर में वेट किया था जो वो था 50। यानी कि हम 50 अपॉन 5 करेंगे क्योंकि मास अपॉन वॉल्यूम जब हम करते हैं तो हमारा डेंसिटी आता है।